भाजपा का बात चले तो वो देश के जो है उन सब लोगों को गद्दार बता देंगे जिन्होंने आइडियोलॉजिकली बीजेपी का विरोध किया है या संघ परिवार का विरोध किया है। तो इसमें उनके गद्दार बताने से कोई गद्दार नहीं होता। और सत्यता तो ये है कि उस परिवार की तरफ उंगली उठा रहे हैं जिस परिवार की तीन तीन पीढ़ियां एक साथ देश की आजादी के लिए जेल में गई, और ये उंगली उन लोगों की तरफ से उठाई जा रही है जो लोग उस समय अंग्रेजों की पैरोकारी में खड़े थे, जिस पार्टी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है और जिस पार्टी का देशभक्ति के देश के निर्माण में भी कोई योगदान नहीं है। ये तो जो संयोग है कि देश के लोगों ने आपके हाथ पे जिम्मेदारी सौंप दी है, तो उस जिम्मेदारी में यदि आप ये समझ रहे हैं कि आप अपने विरोधियों को राजनीतिक विरोधियों को खत्म कर देंगे तो ये आपका मुगालता है। ये कोई नहीं कर पाया दुनिया में। सर, आपको जो विधायक ने जो कहा है यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है, और इसी विचारधारा ने गांधी जी को मारा, इसी विचारधारा ने आज के समय में रोहित को, जो हैदराबाद का छात्र था, उसे मारा, इसी विचारधारा ने कई मासूम लोगों को गुजरात में मारा, इसी विचारधारा ने दादरी में अकलक को मारा, इसी विचारधारा ने मुजफ्फरनगर में कई मासूमों को मारा। तो ये तो इनकी विचारधारा है, और ऐसे लोगों का की सही जगह समाज नहीं है, ऐसे लोगों का सही जगह जेल है, और जनप्रतिनिधि होने का तो कोई अधिकार ऐसे लोगों को नहीं है। तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस एमएलए पर।